मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से नाराजगी पर इनकार किया है। सीएम कमलनाथ का कहना है कि वे शिवराज से नाराज नहीं होते तो फिर सिंधिया से नाराज कैसे हो सकते हैं। देखिए खास रिपोर्ट। ज्योतिरादित्य सिंधिया से नाराज नहीं है कमलनाथ। सिंधिया से तकरार पर बोले सीएम कमलनाथ, मैं सिंधिया से नहीं हूं नाराज। एमपी कांग्रेस में सिंधिया वर्सेस कमलनाथ। ज्योतिरादित्य सिंधिया से अनबन की खबरों के बीच सीएम कमलनाथ ने कहा है कि मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं है। सीएम ने कहा, जब मैं शिवराज से चौहान से नाराज नहीं होता तो ज्योतिरादित्य से कैसे हो जाऊंगा। मैं किसी से कभी नाराज नहीं होता, मैं शिवराज सिंह से नाराज नहीं होता, सिंधिया नहीं होगा। पिछले दिनों ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बयान दिया था कि वो वचन पत्र के वादे पूरे ना होने पर जनता के साथ सड़क पर उतरेंगे। उसके बाद एमपी की राजनीति का सियासी पारा एकदम चढ़ गया था। सीएम कमलनाथ ने ये कहकर इसका जवाब दिया था कि सिंधिया चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। प्रदेश के इन दो दिग्गज नेताओं के बयान को सियासी हलकों में तकरार के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन आज सीएम कमलनाथ ने मीडिया के सामने बयान दिया कि मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं है, मैं जब शिवराज से चौहान से कभी नाराज नहीं होता तो सिंधिया से कैसे हो सकता हूँ। कमलनाथ ने सिंधिया के सड़क पर उतरने वाले बयान को लेकर कहा, मुझे जो कहना था पहले कह दिया है। मैं जनसेवक हूँ, जनता के मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ना मेरा धर्म बनता है, और जैसे मैंने कहा कि हम लोगों को सब्र रखना है, एक साल हुआ है, और अगर जिन मुद्दों को हमने अपने वचन पत्र में लिखा है उनको हमें पूरा करना ही होगा, अगर नहीं होगा तो हमें सड़क पे उतरना ही होगा। क्या चल रहा है, कौन सी बात चल रही है? अगर वो कह रहे हैं तो मैंने जो कहा कह दिया, कौन सी उसमें बड़ी बात है? मैं किसी से कभी नाराज नहीं होता, मैं शिवराज सिंह से नाराज नहीं होता, सिंधिया नहीं होगा। सिंधिया अकेले ही नहीं बल्कि विधायक आरिफ मसूद ने भी सरकार को आंदोलन की चेतावनी दी थी, जिसके बाद कमलनाथ के सुर फिलहाल बदले हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर कमलनाथ ने अपने इस बयान से कांग्रेस के घमासान को काफी हद तक ठंडा करने की कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।